एक बार फिर भाग्य अपना खेल दिखाएगा। तीन जिंदगियां जो एक रिश्ते से बंधी हैं लेकिन दिल से जुदा है, उन्हें फिर से मिलवाएगा। कलर्स पर 2 मार्च से रात 10 बजे से शुरू होने जा रही है एक नई कहानी पवित्र भाग्य, जो कहानी है 3 अलग अलग जिंदगियों की, परिणीति, रियांश और जुगनू की। कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य के बाद एकता कपूर ने अपनी भाग्य सीरीज में न्यू एडिशन किया है और ऑडियंस के लिए एक नई इमोशनल कहानी लेकर हाजिर हैं। मुंबई में एकता के इस न्यू शो का ग्रैंड लॉन्च हुआ, जहां पर मौजूद थी पवित्र भाग्य की पूरी कास्ट। शो के प्रोमोज ऑलरेडी ऑन एयर हैं, जिन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो रियांश जो है वो एक दिलफेक बंदा है और कैसिनोवा दिखाया है, पर वो टिपिकल कैसिनोवा नहीं है कि हाँ ठीक है बहला बुसला कर जो भी करके लड़की को अपने जाल में फंसाना, नहीं। वो किसी से झूठ नहीं कहता है, हाँ, पर उसको बस कमिटमेंट से बहुत डर है। इसीलिए उसको जैसे लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं शायद अभी प्यार में पढ़ने वाला हूँ, तो मैं अपने आप को बंद करके निकल जाता हूँ वहाँ से। ऐसा नहीं है, प्यार नहीं है उसको, बहुत सब चीज़ों से प्यार है, अपने सामान से प्यार है, लोगों से प्यार है, अपने परिवारों से प्यार है, पर उसको ज़िंदगी में ये कमिटमेंट फोबिया इसलिए आई है क्योंकि उसे कभी भी अपनों से, अपने माँ, अपनी उनकी, उसकी माँ बचपन में गुजर गई, पर दूसरों से प्यार नहीं मिला है। सो ही इज नेवर रिसीव लव, सो ही डजंट नो हाउ टू लव, सो ही स्केयर्ड अबाउट दैट। मेरा किरदार एक स्कूल टीचर का है जिसे बच्चों से बहुत बहुत लगाव है, और पहले सहमी हुई सी नहीं थी, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई उसकी लाइफ में जो वो थोड़ी सी सहमी हुई सी हो गई, पर फॉर मी इट वाज क्वाइट अ चैलेंज टू कम आउट ऑफ अ गर्ल नेक्स्ट डोर टू बिकमिंग अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और इन दोनों जिंदगियों को जोड़ती है एक और जिंदगी, जुगनू, जिसके वजूद से रियांश और परिणीति दोनों ही अनजान हैं। जुगनू आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लाने वाले हैं, वो बहुत खतरनाक है। उसका करेक्टर जानने के लिए आपको पवित्र भाग्य देखना है। अब भाग्य कुछ ऐसा खेल दिखाएगा कि तीनों जिंदगियां एक बार फिर मिलेंगी, और जब ये मिलेंगी तब इनकी जिंदगी में कौन सा तूफान आएगा, यही कहानी है पवित्र भाग्य की। सिलसिला बदलते रिश्तों का में नजर आ चुकी कुणाल और अनेरी की जोड़ी एक बार फिर जमी है, और इस बार दोनों को एक साथ देखना उनके फैंस के लिए भी काफी एक्साइटिंग होगा। दोनों स्टार्स को अपने शो के लिए कितनी एक्साइटमेंट है ये भी सुनिए। बस हम बहुत एक्साइटेड हैं और हमने बहुत मेहनत की है। आई रियली होप कि सबको ये शो बहुत अच्छा लगे, और 2 मार्च से आ रहा है। ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हाँ बिल्कुल, जैसे अनेरी ने कहा, एवरीथिंग इज द सेम, लाइक वी आर हैप्पी टू बी वर्किंग टुगेदर अगेन, एंड लकीली इट्स ऑन कलर्स अगेन। सो 2 मार्च इज द बिग डे, एंड 10 PM मंडे टू फ्राइडे, सो गाइस डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। And we are working with Balaji, and the show looks promising, so we are happy about that the most. जुगनू के रोल में नजर आएंगी वैष्णवी, जिनका एक सपना इस शो के जरिए पूरा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ। पहली बात तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था मैं बालाजी का शो करूँ, और ऊपर से कलर्स पे भी बहुत बड़ा चैनल है, सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटमेंट का लेवल तो ऑडियंस का भी काफी हाई है। अब देखना ये होगा कि एकता के शो पवित्र भाग्य का साथ भाग्य कितना देगा, और ऑडियंस की कसौटी पर ये शो कितना खरा उतरेगा। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।